पूरे झारखंड में 24 गो जिला है, 24 गो जिला में लगभग 264 गो प्रखंड है, लगभग 32,000 गांव है, 32,000 समस्या है। बताइए कौन सा लीडर, कौन जाके साथ दे पाएगा ग्रामीणों का? लड़ाई आपकी है, आपको हिम्मत दे सकता है, आपको रास्ता दे सकता है, आपको बुद्धि भरोसा विवेक दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा करिएगा तो एक दिन आपके लिए आके खड़ा हो सकता है, बाकी लड़ाई आपको लड़नी होगी। आज हमने के निर्णायक जंग का ऐलान करना हो और जंग का इतिहास गवाह है, या तो मोरी के या तो मारी के जीतल जाए। और मोरे तो रोजे मोरा है, पोल्यूशन से, डस्ट से, धुआं से, टीबी से, अस्थमा से, कैंसर से, जोंडी से, रोज तो मोरा है। कंपनी के दुष्प्रभाव से जहां जहां कंपनी स्थापित है और जाके वो गांव के लोग सर्वे करी ले, ऐसे लोग बीमार है के मोरी जाते हैं कंपनी के प्रदूषण से। मोरे तो रोज मोरा है। अब समय मारे के लगो, एक बार संविधानिक स्तर से मारा, संवैधानिक स्तर यानी भारत के संविधान भी कहा है, भारतीय संविधान अगर में स्पष्ट है, अगर में 2013 के भूमि कानून है कि कोई यदि जमीन के अधिग्रहण कर है तो सबसे पहले तो जाए 80% ग्रामीण के रजामंदी होना चाहिए, उसके बाद विस्थापन के प्रक्रिया होना चाहिए, मुआवजा के प्रक्रिया होना चाहिए, नियोजन के प्रक्रिया होना चाहिए। जब ये प्रक्रिया ना भलाए, लाभ अगर ग्रामीण के ना मिलल है तो ऐसा कंपनी सीधा कहीं ना कहीं देशद्रोह के कटघरा में खड़ा है, जो भूमि कानून के उल्लंघन कर ला है, जो देश के संविधान के उल्लंघन कर ला। तो मरना या मारना केवल शरीर से नहीं, नियम से। पहला लड़ाई हमने नियम से लगाई, हमने लड़ाई संवैधानिक लगाई, हमने लड़ाई कानूनी लगाई, ताकि जमीन जगह हमने लगाए। और चूंकि यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारे थाना प्रभारी लोग भटक रहे हैं, भटके रहे हैं, कंपनी बुलाया है तो भटके रहे हैं, तो आप लोग एक बार चारों चक्कर घूम के आइए, देखिए अपने आंखों से कि यहाँ कितना जमीन का अधिग्रहण किया है, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए कि आपका बाप दादा का इस प्रकार एक बित्ता जमीन को लिया है। जितने भी प्रशासन के लोग आए हैं, जो लोगों को लगता है कि नए गांव के लोग हिंसा फैलाते हैं, गांव के लोग विद्रोह करते हैं, ये जो जमीनें आप देख रहे हैं जहां कंपनी खड़ा है, वो सारी की सारी जमीनें हमारी है, कंपनी के भीतर जो बैठे हैं उनका एक बित्ता जमीन नहीं। ड्यूटी कीजिए, ड्यूटी के साथ साथ मानवता का भी स्मरण रखिएगा। क्या आपके साथ, आपके पूर्वजों के साथ या आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ इस प्रकार की नाइंसाफी हुई है, जहां कंपनी के माध्यम से जमीनों का अधिग्रहण किया गया है? और आज भी देख सकते हैं किन्हीं का 8 एकड़, किन्हीं का 4 एकड़ इनका जमीन लिया भी नहीं गया है और वहां बुलडोजर चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इनसे यही कहेंगे, आप कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय संविधान आर्टिकल 226 के अनुसार हाईकोर्ट में रिट फाइल करें। यदि काम नहीं बनता है, जब कानून और संविधान के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो घर के अंदर जाइए, टंगला पत्ता जो मिलता है निकल के सामने आइए। लड़ाई आपकी है, कौन साथ देगा, क्यों देगा? पूरे झारखंड में 24 गो जिला है, 24 गो जिला में लगभग 264 गो प्रखंड है, लगभग 32,000 गांव है, 32,000 समस्या है। बताइए कौन सा लीडर, कौन जाके साथ दे पाएगा ग्रामीणों का? लड़ाई आपकी है, आपको हिम्मत दे सकता है, आपको रास्ता दे सकता है, आपको बुद्धि भरोसा विवेक दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा करिएगा तो एक दिन आपके लिए आके खड़ा हो सकता है, बाकी लड़ाई आपको लड़नी होगी। एक साल, ये पूरे एक साल का हम अपना अनुभव बता रहे हैं, केवल पलामू प्रमंडल को छोड़ के बाकी चारों का चारों प्रमंडल, लगभग 18 से 20 को जिला हम घूमे, लगभग 120 गो प्रखंड घूम के आए हैं। हर जगह समस्या है, कहीं कंपनी का, कहीं बाहरी अतिक्रमण, कहीं बड़ा बड़ा अधिकारी का, हर जगह झारखंड के लोगों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। और सबसे खास बात, उनकी जमीनों को जबरन छीना जा रहा है। सबसे ज्यादा चोर अगर कोई आया है तो वीडियो सीओ लोग आया है, जो मैंने ग्रामीणों का जमीन, इसका जमीन उसके नाम पर, जीएम लैंड का तो लोग मैंने धज्जी उड़ा के रख दिया है, जिस प्रकार यहाँ जमीन का लूट है। इसलिए लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति की है। इस लड़ाई में आपको लोग बुद्धि बता सकते हैं कि आप इस रास्ते से रांची चले जाइए, रांची में गली नंबर 4 में वो वकील बैठता है, उसका 200 फी है, वो आपकी मदद करेगा, मैंने बड़ी मुश्किल से वो आपके साथ रांची तक जा सकता है। लड़ाई आपकी है। इसके अलावा आपको एगो सही घटना कहने के सुनवायो, ये तो मोटा मोटी मधुबन का तुमने नाम सुना लगा, अभी झारखंड में अगर सबसे महंगा जमीन कहीं है तो मधुबन में है, कहे कि वहां सब बड़ा बड़ा उद्योगपति
बड़ा बड़ा राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र के सेठ मड़वाई के जमीन लेन वहां एगो गरीब आदमी के मात्र दो चार डिसमिल जमीन हलाय वो स्पष्ट है कह दिला कि वीडियो भी हमार लगो गिरिडीह के डीसी भी हमार अनुसार चल तो कहा कि हम बहुत बड़ा अरबपति लगियो गुजरात के अरबपति लगला है कह दिला कि हमें अरबपति लगियो ये जमीन तो हमारा दे दे नहीं तो हम कुछ नहीं करे बाहर में वीडियो भी हमार लगो डीसी भी हमार लगो तेरा जहां जाना हो चलियो वो लड़का हम नहीं आए लोग ऐसे से बात हमने ऑनलाइन कर लिए कि झारखंड में हर जगह समस्या हो एक दिन पर खतिर जा सका लियो दूसरा दिन हमने नहीं जा सका लियो तो कहे की रास्ता हो कहे कई भाई है दो गो कहे जो मान के चले वो मर गए हो सच्चाई घटना बता रहा लियो सात आठ महीना के गर्मी के महीना के घटना बता रहा लियो वो लड़का सीधे घर गए बप्पा के लाइन कहल कि बप्पा ते मान के चल जन्म तो दू गो दल है लेकिन मान के चले वो रोज एक्सीडेंट में मर गए वो टांगा लल जाके अरबपति कहल वीडियो सीओ के कि देख अगर जमीन लेना हो और तो पहले हमार जान लिए तो और यदि हमार जान लिए को तो कुछ पहले वो दिए है तब देवे के सीटा कही के जो हमें जमीन भी दे देवो जान भी दे देवो लेकिन ओकर से पहले एगो दिए है तो अब बता दरगाह थाना पर बारे तोय देवे कि वीडियो साहब तोय देवे जेन देवे ले ले एगो दे दे और हमार ले ले और बाप दा जमीन भी ले जो फिलहाल लड़का डर घोरी के ना फोन करल है ना हमने खिनाइल है यानी आज तोरा निर्णायक लड़ाई लड़े तो तय अपन घर में अपन राज्य में अपन गांव में भीख मांगे लायक है इतना बड़ा बड़ा जमीन तोर पुरखा के जमीन एकड़ के एकड़ जमीन जहां बड़ा बड़ा राजमहल खड़ा भतल तोरा कोड़ी के भाव ले लल कतना दर में लियल गलत है 700 टका में नूतन भौजी के लगे दे मार्केटिंग करे तो लिपस्टिक और पाउडर में नहीं आटते 700 टका हमने बाप का जमीन ले लला हो कौन जमीन था जंट हमने 7000 साल से जोतल है कोड़ल है मात्र 700 टका अरे की कर हो ये 7 अरब कमाए रहा लो बल्कि हमने बोले कम कही दिलियो ये 7 अरब कमाए रहा लो जन भेदभाव एक बित्ता जमीन नहीं गला है ये 7 अरब कमाए रहा लो और तोरा 700 टका दे के ले लाओ सेल में सुने 34 पैसा डिसमिल ले ला है सिंदरी में 1.5 टका डिसमिल ले ला है चांडील डैम में 2 टका डिसमिल ले ला है बताओ डब्ल्यू जी डीसीएस भी है तो उगला के एकदम आएक से आएक मिला कहीं है कि तोर बाप 2 टका डिसमिल कहा जमीन ले ला है कितना तो कंपनी पैसा खा ले दलाली करे हमें कह दिली हमने जिंदगी मौत से भी बता रहा हूं अरे यदि जेल के डर लगो ना तो जेल वाले भीतर जाके देखिए हुआ एक सब बेस खाना और एक सब बेस एसी पंखा मिलतो क्योंकि जेलर के डर है कैदी के भीतर में कुछ नहीं होना चाहिए नौकरी चल लेते गांव में कैसन में है सर 24 घंटा में 2 घंटा बिजली हो धुआं चाह रहा लो बीमार भय रहा है गंदा पानी पी रहा है जेल जाके देख बेस पानी बेस खाना बेस पंखा रहे मिलतो का डर है कि सर कैदी के कुछ भाई गला जेलर के सीधे नौकरी चल जाता है जेलर के गले तो डीएसपी एसपी हो जाए पारी यानी तोर यहां से बेहतर जेल खाना में जिंदगी हो जेल से नहीं डरिए केस मुकदमा से नहीं डरिए ऐसे भी एक दिन मरना हो लेकिन ये जमीनवा हमेशा रहतो जब तक संसार रहतो तब तक जमीनवा रहतो और कम से कम तर वंशों में एगो दूगो लॉक रहतो ये लड़ाई ओकर खातिर लगो तोर वंश वृद्धि खातिर लगो तोर आने वाला पीढ़ी खातिर लगो तोर नेक्स्ट जेनरेशन के लड़ाई लगो सही खातिर अपन अंदर जब डर हो जब डर हो ये लगे बाहरा के फेंक दे डर लगे बाहरा के फेंक दे एकदम क्यों अधिकारी लगाए अगर एक लाइन में कही है कि तुम्हें तो अपन बेस्टिक खुद लिखल है ना देखिए पुलिस अगर है तो बढ़िया तो लिखल तो जेपीएस कि हम जेपी का फुल फॉर्म नहीं जानते एस माने सर्विस होता है और सर्विस करने वाला को सेवक बोलते हैं और सेवक जो पैसा लेके करता है उसको नौकर बोलते हैं उगला पर नौकर लगो उगला पर नौकर लगो लेकिन तुम मालिक बना के रखा है तो इतना कहे हाँ सर बोलिए कहे बुलाए हैं कोई भी मालिक बना के रखा नहीं मालिक कौन लगे जमीन तोड़ लगो खेत तोड़ लगो गांव तोड़ लगो तो मालिक क्या लगे कोई ना मालिक लगे तो ककर खातिर आयल है जद यहाँ गांव नहीं रहतल है जद यहाँ मानुष नहीं रहतल है तो कि थाना था परासन के पहाड़ पे रहतल है ना दामोदर नदी के बीचे बीचे रहतल है थाना दामोदर नदी के बीचे है कि ना पहाड़ पे है तो गांव तय हो गए ना गांव तय लॉक है यानी लॉक कर नौकर लगे अरे खुद निकाला बेचती या लाजे सर ना शॉर्ट में लिख के आयो कभी अपने फुल में लिख के आइए डीएसपी रहो चाहे एसपी रहो लाजे सर ने शॉर्ट लिख के लाओ
लिखल हो ना आईपीएस लिखल हो, हम कहीं आई और एक नहीं जानते फुल फॉर्म, यस मने सर्विस होता है, सर्विस यानी सेवक, और सेवक तो भाई जो फ्री में करता है, जो पैसा लेकर तो उसको नौकर बोलते हैं। आप बोलिए क्या बोलते हैं आप? तो सही खातिर आज तो हमी के आंदोलन की हिम्मत दिया हो, और देखिए सगला रांची जैसे लाठी चार्ज भलाय, हमें अपन टोपियो खोल ले खाली मारे खा तो कपार में मारिए, घायल नहीं करिए, घायल भले इलाज नहीं कर पारबे, अगर बाद मजाल है यदि के छू दे तो एक लाइन करे तो वीडियो में देखा लगा कि मारना है तो सर पे मारिए, डायरेक्ट मर जाएंगे, इसलिए घायल मत कीजिएगा क्योंकि इलाज करने वाला घर में कोई नहीं है। तो सह खातिर का एक बार तो हिम्मत करे है तो, और यदि आज हिम्मत नहीं कर ला तो आज तोहनी देर देर के जी रहा ला, आज तोहनी भूख से मर रहा ला, के दुख से मर रहा ला, गिद्रोइन के संग है हाल घतो, इनुनी गिला संग है हाल घतो, एखनी भले नहीं कुछ बोझा तुम लेकिन लड़ाई तो एखनी खातिर लगे ना, खाली मुचो मुचो भाषा तुम लड़ाई तोहनी खातिर लड़ाई लियो, तो सही खातिर लड़ाई अगला जनरेशन खातिर लगो। सब दिन हमने शहादत दिला है, सब दिन हमने कुर्बानी दिला है, बलिदान दिला है, सब हमेशा देते रहे कि बस अब हिम्मत करा लिए कर, के ना दिले शक्ति बाबू दिले, सुदन बाबू दिले, निर्मल बाबू दिले, सदानंद बाबू दलथिन, मणेन्द्र बाबू दलथिन, रसिक बाबू दलथिन, नेपाल बाबू दलथिन, हर जगह तो हमारा लोग देले हथिन गर्दनटा, एक बार जब दो चार को सीएमडी जीएम इलाके गर्दनों में चिपी के यदि लिए पारतल तो आज हमने अच्छा स्थिति में रख ली। क्या ललय शक्ति बाबू की शहादत क्या ललय, कोई ना कोई कंपनी ले ललय टाटा में ललय, देल तो हमने हमेशा तो हटे कहो और नयो दिल लेवे कर तो समय देखी ले, समय मिलाई मिलाई के देखी ले, 1977 में शक्ति बाबू के मार दल गेलै, के ना कंपनी जैसे 87 एले तो निर्मल दा के मार दल, 7 एले तो सुनील के मार दल, कब ने मारल है ये कंपनी भीतर जितना लोग बेचल हो अखनी तो समय समय मार ले हो, हाल फिलहाल 2007 में मारल हो, 27 आए रहा मारबे कर तो, और 3-4 साल फिर कोई बड़ा आदमी के मारते नहीं तो अपनी नौबत ना चाहे अपने कोई पलटवार खातिर तैयार हो, 7 मारल है कि नहीं, पूरे झारखंड में एकमात्र संसद जकर हत्या गल है शहीद सुनील महतो, दूगो विधायक के भेल है, एगो बगोदर विधायक एगो निरसा विधायक, लेकिन चूंकि हम संसद के बात कर रहे हैं एकमात्र संसद के जान गल है शहीद सुनील महतो जमशेदपुर संसद के लल है, कहीं ना कहीं कंपनी के हाथ हत है जैसा यहाँ कंपनी खड़ा हो, ये तो मार ले हो एकदम समय मिला ले 77 87 एकदम देख ले 7 आए लो 87 के बाद 2007 एकदम 7 आई गलो आए रहो 27 पक्का मार तो कभी अखनी खातिर फायदा हो, ये फायदा तो जमीन छीन के ले तो जान ले के ले तो कैसे ले तो मतलब ना हो, 27 आए रहो हमरा मुझे 27 नहीं तो 24 तक अखनी मार तो लिख के कह दे हो, यदि बदलाव ना आए लो या तो हमनी तो पक्का हो अखनी 24 तक ककरो ना ककरो बढ़िया लीडर के तोर बीच के मार तो, अभी तोर पे डिपेंड हो, और हम बार बार कहियो यदि तोर बीच के कोई लीडर के तोर बीच के कोई साथी के यदि के मारतो तो रोड जाम नहीं करी है, ये टायर नहीं फूकी है, फूक में तो दो चार उगला के जो ऊपर वैसा लाओ, सड़क जाम नहीं करी है, ये गाड़ी का शीशा तीसा नहीं फोड़िया, जान के बदले अगर जान भी देता है इग्गा दुग्गा के ना है, जब भितरे वैसा लाओ एसी पंखा में जन लोग 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख पेमेंट है जानी ला बड़का कुर्सी में साला अखनी हिसाब करिए, अरे तो हमें नहीं करिए द समय कहो समय समय में अखनी गर्दन काटा लाओ समय समय में काटा लाओ काटा लाओ ना पढ़ी ले इतिहास इतिहास पढ़ी ले समय समय में अखनी हमारा लोग के मारा लाओ काटा लाओ चोटा लाओ बर्बाद कर लाओ हर समय आओ अखनी बर्बाद कर तो मार तो काट तो अभी तोरा हिसाब करना हो कि तो है कि उत्तर दे हैं ठीक है, चूंकि आज हमें पहली कह दे हमें भाषण दिया खतरे एकदम नहीं ललियो, हमें घर से कही के बाहर ललिए कि महीना कर 7वां केस लगे इधर तोहनी है धरना कर ला, हमें तो चक्का जाम सोची कह ललियो आगु हटे कहबो बिल्कुल इस आज के जो धरना बलाय एकर निष्कर्ष निकलना चाहिए वार्ता भेव है अगर वो ढंग से तो ठीक है नहीं तो अगला रणनीति की बता और तो तैयार करा हमनी कभी पीछू ना हटबो तो हरानी तैयार है ना तो हनी क्या हुआ घपो
तोहनियो अगला बापेक बेटा ना लगे तोहनियो बापेक बेटी लगा और अखनी से बलगा तोहनी यहाँ अखनी से बलगा तोहनी यहाँ ऐसे तुम दादी एक दिन मोरे के है एक दिन तो ऐसी संसार का छाड़े के है अखनी से बलगर तोहनी यहाँ अभी देखा सांझ में तो तोहनी घर जाके मार भात के बाखनी खिचड़ी ना है आधा से तो पीव थोन जाके अखनी से बलगर तोहनी यहाँ अखनी से ज्यादा बुद्धि तोहनी का घर क्या चलाए यदि एगो स्त्री ना रहत ले घर चलते ले ये मर्दाना के लिए चले पड़ते ले अखनी तो अभी देखा उदाहरण खातिर एगो स्त्री के यदि 500 टका दे भागना तो घरे जाए के मुर्गा भी घरे काटते घरे बनाते घरे रोटी बनाते घरे खाते यानी 500 टका गोटे घर गोष्ठी कर लेते कल हमने चार तक इधर 500 टका खा के पुरा देते और कल एटो में ना खेलो तो घर एगो स्त्री चलाए क्या कि रोटी भी बने लो बाहर से 10 टका एगो दाम अब बता 10 टका नाटक धनी के रोटी बने तला एटा मरद बेला हटा मर्दाना लगे हटा जनाना लगे तोहनी के अपन शक्ति के चिन्ह हतो अरे लड़ाई टीका हुआ है तोहनी के करे हतो डर नहीं ना लगे दादी डर लगो की आधे अकेले लाठी बल ले गया तुम अब तो मेहरारू देख के मेहरारू पुलिस ले आना लाओ अरे अखनी के यदि आदेश मिल जाए अखनी बूढ़ी थोड़ी सोम के मार दे ढूंढ क्या कि ड्यूटी कर वाला जब ड्यूटी करो ओकर खातिर मानवता न कहो क्या कि ओकर जब मेन लीडर लगो ओकरा कंपनी पैसा देला हो चाहे एसपी रो डीएसपी रो ओकरा कंपनी पैसा से मुंह तोपी देला हो वो तोर बात ना करतो और हर लोग गेले अखनी के पठाए लो हाथे बेस बेस भैया तर डांग दे के पहना दे के तो सह पर भी ना सह पर भी मरवा गुंडली खाइल है ना साल फेटे खाना नहीं खाला तो रानी नहीं तबे सही ले भाग तो सही खातरी लड़ाई टिको हुआ तो रानी के करे हतो तो रानी तैयार है ना 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 हमो कह दे यो एखन से लई के इतना तक जितना हमें मुरुद गिला देखो ल ये तो सब देखो ल पुरुष गिला कर अबरी हमें तोहरानी मुरुद देखे चाहिए यानी अगर मतलब अब लड़ाई तोहरानी के लड़े हतो तो यार है ना तो देखा की बात भव है यहाँ बेटा छुआ की लग जाए टीम है अखरानी बात करता है प्रबंधन से जे ही अगर हेड लगाए और यदि नहीं बात भव तो अगला रणनीति तैयार करा और यदि फिर बात नहीं भव सीधा चक्का जाम कर दहा चाहे जेल रहते देखल जाता है केस रहते जेल रहते जेल रहते तैयार है ना तोनियो ठीक है तो हमें जायज जायज हटाई कहो कि एक जुटता था जमा करी के रखिया बहुत सारे लोग तोड़े लाए तो मरो जोर खोबे सारा कर तो ठीक है हाँ राती तो जय रावा तनी बेस से रहिया क्या कि रामगढ़ में इसने बोला जगन हमें आलिए तखन बड़का बड़का पुलिस प्राधिकारी के लिए पीछे हल तोड़ अब भाई हमें ना रामगढ़ नहीं ना हमें सजा पार भाई जे सिंह घर आ लिए आधा के उठाई के लाई गेले तो इला तेरे ध्यान से रखिया रातिन जे रावा बेस से रहिया का कि पुलिस प्रशासन कंपनी एखनी ये मोरलिटी नाम के चीज ना हो यदि मोरलिटी रहतले नैतिकता मानवता इंसानियत रहतले तो आज लोग के 30 साल 40 साल अपन बाप दादा जमीन गुचाइल बाद ये लड़े नहीं भेतले एखनी में मानवता नाम के चीज ना हो एखनी में बस एक एक ना खल जाए बिजनेसमैन का एक ही वो धर्म होता है प्रॉफिट एकला बिजनेसमैन लगो तो ये मोरी गेले हराई गेले गोड़ भांगी गेलो कपार फाटी गेलो मोड़ फाटी गेलो घेचा छिपाई गेलो मतलब ना हो एकला बिजनेसमैन लगो और बिजनेसमैन के माने लगो प्रॉफिट प्रॉफिट बुझा ना फायदा हाँ देखने के माने सिर्फ फायदा लगो तो सही खातिर हम यो चाहिए तो ये अपन फायदा कमा हमरा दिक्कत ना हो हमार जे फायदा बता है सेटल बात कर क्योंकि जमीन ज्यादा हमार गला हो कही तो देलियो खाली हमरा लोग गिला जागल ना हता और जानल ना हतिन जन दिन जागी जाता जानी जाता ना अपन हर एक जुआट गिला से कोड़ी के सब कंपनी के पीछे उखड़ाई फेंकी देता है बड़का बड़का अंग्रेज यहां से पर आई गला थी
जे माने गोटे दुनिया टे पृथ्वी टे 70-72 को दुनिया में राज कर लल इंडिया पाकिस्तान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक न्यूजीलैंड तक राज कर लल से अंग्रेज गिला के लोग हाड़ कपा के घर पठाए दल तो ये की लगा ये को गांव इतना जमीन कब्जा कर लल गोटे इंडिया कब्जा कर लल से गिला के बाहर फेंकी दल है सिकंदर के लोग आधा दूर से घर बटाए दल मारी पीटी के इगला के लगा सह खातिर तो ये काम कर है अच्छा बात हो जे कही के जमीन ले ला है जिन बातों को बोल के आपने जमीन लिया है उन बातों की पूर्ति कही जाए करी जाए उन वचनों को पूरा किया जाए नहीं तो ग्रामीण रैयत विस्थापित उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और यदि इसमें किसी की क्षतिपूर्ति होती है तो गांव वाले रैयत नहीं शासन प्रशासन और कंपनी के तंत्र में बैठे लोग जिम्मेवार होंगे।